तो अब हम लोग देखते हैं एक नया प्रॉब्लम है जो कि इंजीनियरिंग आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का है। जैसे कि ये आया हुआ है आपका 2017 इवेंट सेम में। ठीक है, 2017 इवेंट सेम में आया हुआ है। ठीक, ये क्या है आपका, देख लो, पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवेन इन अ फिगर। ये आपका फिगर है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं कुछ। ठीक है, ड्रॉ द फॉलोइंग। देखो, एलिवेशन फ्रॉम एफ, एलिवेशन का मतलब क्या होता था आपको बताया है क्या, फ्रंट व्यू। ठीक, टॉप व्यू को क्या बोलते थे, प्लान बोलते हैं। तो देखो, ये वर्ड लिख सकता है या तो फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलेगा या फिर प्लान बोलेगा टॉप व्यू को। ठीक है ना, तो टॉप व्यू देना है और फ्रंट व्यू, इसका साइड व्यू नहीं बनाना है आपको। ठीक है, अगर साइड व्यू रहेगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है तो आप इधर से साइड व्यू भी बना सकते हैं। तो ये कौन सा साइड व्यू होगा, राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है ना, इधर से देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेकिन इधर से क्या बोल रहा है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये टॉप है। क्लियर। चलिए, तो देखिए, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो लगभग मैंने करा दिया। ठीक है, जैसे देखो, एक ये बचा हुआ था 2017 में, और भी जो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम, देखो फर्स्ट तो बिल्कुल आया हुआ था, एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम था, लेकिन थर्ड जो था वो सिमिलर था। ठीक है ना, 2018 का सिमिलर क्वेश्चन था, और 19 वाला मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम था, और ये आपका 17 में आया हुआ है जो कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक, तो लगभग क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, और भी अगर क्वेश्चन होंगे तो मैं जैसे ही कैड स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो कैड में उसी को सेम चीज़ बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान आसान प्रॉब्लम आने वाला है। चलो देखो, इसको बनाते हैं। चलो, इसमें दो ही चीज़ बनाना है आपको, फ्रंट और टॉप। चलो, फ्रंट किस साइड है आपका, यहाँ से है। देखिए, तो फ्रंट बनाने से पहले मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स वाई लाइन ले लेता हूँ। चलो, ये हो गया एक्स और ये वाई। ठीक है, तो देखो, इसमें आपको साइड व्यू नहीं बनाना, तो मैं इसको इधर से नहीं कर रहा हूँ, केवल एक्स और वाई ले लेता हूँ। यहाँ पे फ्रंट बनेगा और इसका यहाँ पे टॉप बन जाएगा। क्लियर। देखो, अब मैं फ्रंट की बात करूँ तो देखो, फ्रंट से आपको क्या दिखेगा, बस आपको इमेजिन कर लेना है और काम खत्म। देखिए, फ्रंट से अगर आप देखोगे तो पहले बेस देखो, बेस बेस में अगर देखोगे तो देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एक 3D ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसा दिख रहा है। तो आपको फ्रंट से देखोगे तो ये वाला शेडेड पोर्शन दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। क्लियर। और ये एक ऐसा ये देखो, ये तो स्लाइड हो जा रहा है, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, सीधा है ये, तो ये तो पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है ना, जिसका हाइट कितना है, 25 का है, और वेट्स बोल लो, ठीक है, वेट कितना है इसका, वेट्स या फिर बेस, बेस बोल लो, यहाँ से बेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेस कितना है, 12 का है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। चलो, बेस से स्टार्ट करते हैं। तो बेस इसका कितना है, यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना है, 24 24 24। ठीक है ना, कितना हो गया टोटल। ठीक है, तो 24 24 करके हम लोग बना लेते हैं। चलो, यहाँ से हमने टोटल बना लिया 24 24 और 24। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, 72 देखना है हमें, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, देखो, 24 24 तीन ले लेते हैं, अब यहाँ से कट कर लेते हैं तीन जगह, एक हो गया यहाँ तक 24 और एक हो गया यहाँ से ये 24। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे हाइट कितना है इसका, इसको लिख ही लो, यहाँ से 24, ये भी कितना है 24, ये भी है 24। हाइट कितना है इसका, देखो इसको ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन मैं बना रहा हूँ अभी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, देखो एक बार साइड करके दिखा देता हूँ इसको, तो सेट करके जैसे देखेंगे तो ये पोर्शन, ठीक है, ये देखिए, ये पोर्शन मैं बना रहा हूँ अभी। तो ये फ्रंट से ऐसे देख रहे हो तो पहले ये बेस बना रहा हूँ। तो बेस बनाने से पहले देखिए, हाइट कितना है इसका, हाइट है 12 का। चलिए, तो हाइट कितना होगा, यहाँ भी 12 होगा और यहाँ भी कितना है, ये 12 है, तो इसको यहाँ से 12 ले लो। ठीक, यहाँ भी कितना ले लो, 12 ले लो, यहाँ तक क्लियर, हाइट बन चुका। अब देखो, ऐसे देखोगे तो ये तो ऐसे मैच करेगा, लाइन मैच करेगा बिल्कुल, 12 से बिल्कुल ऐसे मैच कर जाएगा, और इसके ऊपर ये कुछ इतना पोर्शन दिखेगा, ये जो पोर्शन है वो कुछ ऊपर दिखेगा सेंटर में। अब देखो, सेंटर से है कितना डिस्टेंस, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, तो ये कितने डिस्टेंस पे है। देखो, इस कॉर्नर तक हम लोग देख लिए, 24 24, है ना, यही वाला प्रोजेक्ट हो गया यहाँ से। तो ये कॉर्नर से देखो कितना हाइट, कितना डिस्टेंस पे है, 30 के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से 30 का डिस्टेंस पे, ऐसे यहाँ से मान लो 30 के डिस्टेंस पे, तो यहाँ तक तो 24 था,
ठीक है, 24 से कुछ आगे आ जाओ यहाँ तक, पहले एक लाइन ले लो क्योंकि ये लाइन तो दिखना ही है, ठीक है, टोटल लाइन तो दिखेगा ही क्योंकि ऐसे देखोगे तो पूरा लाइन दिखेगा। अब यहाँ से 30 डिस्टेंस यानी दोनों साइड 30 30, तो यहाँ से देखो 24 प्लस 6 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कुछ, ठीक है ना, और इधर से 24 प्लस 6 तो ये कितना हो गया, इधर 6 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना बच गया, टोटल 12 24 है, तो यहाँ कितना बच गया, 12 बच गया, क्लियर है। यहाँ से ऊपर कितने हाइट तक जा रहा है, 25 तक जा रहा है, तो यहाँ से मैंने ले लिया कितना डिस्टेंस पे, 25 डिस्टेंस पे ऊपर, यहाँ से 25 डिस्टेंस से ऊपर, ठीक, और इसको क्या कर दो, मिला दो, ये डिस्टेंस कितना है आपका, 25। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से एक बार समझाता हूँ, फ्रंट व्यू क्या दिख रहा था हमें, ये दिख रहा था, यहाँ से ऐसे दिख रहा था, ये तो साइड वाला है, ये तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ये साइड में अंदर जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे दिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये टोटल दिखा, तो टोटल कितना था, 30 था, तो यहाँ से मैंने 30 पे ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस भी दे दो, यहाँ कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का है, 30 ले लिया, ठीक है। अब देखो लाइन बनाता हूँ, कौन कौन सा लाइन दिखने वाला है, ये लाइन दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, और ये लाइन दिखेगा, और ये लाइन दिखेगा, ठीक है, 12 12 का दिखने वाला है, ठीक। पहले सेंटर वाला बना लो, तो ये एक यहाँ पे दिख रहा है आपको एक लाइन, ठीक है ना, ये 24 वाला एक लाइन ये दिखा, यहाँ से 24 का लाइन दिखेगा एक, क्लियर। अब देखो ये 12 वाला तो अंदर की ओर है, इसको भी छोड़ दो यहाँ तक। अब लाइन कौन सा दिख रहा है, यहाँ से दिखेगा, ये 12 का दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ से हाफ पे यहाँ एक लाइन दिखेगा, और इधर से ये 12 वाला ये दिखेगा, ये पोर्शन, तो यहाँ से मैंने हाफ पे ये बना दिया, ठीक। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 है, ठीक है, ये डायमेंशनिंग कर रहा हूँ बस, ठीक। हाइट कितना हो गया, ये 25 हो गया, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, देखो फ्रंट व्यू जैसे ही बनाओ और उसके बाद क्या कर दो, ये तो डार्क पेंसिल से बनाना है, उसके बाद क्या करो, सबको नीचे की ओर क्या कर दो, प्रोजेक्ट कर दो। चलो प्रोजेक्ट करता हूँ, जितने भी पॉइंट हैं सबको प्रोजेक्ट कर दो, यहाँ से क्या करो नीचे की ओर हल्की पेंसिल से, पहले जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं सबको क्या कर दो, प्रोजेक्ट कर दो नीचे, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी नीचे प्रोजेक्ट कर दो, यहाँ भी पॉइंट है, इसको भी प्रोजेक्ट कर दो, यहाँ भी है, ठीक, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी है, ठीक है, सारे लाइन प्रोजेक्ट हो गए, ठीक। अब बात करते हैं टॉप व्यू की, तो देखो टॉप व्यू से अगर देखोगे तो आपको एक एरोप्लेन टाइप दिखेगा, ऐसे कुछ ऐसे दिखेगा, ये आगे का मुंह दिखेगा और ये साइड वाला दिखेगा, है ना, कुछ ऐसे दिखेगा, कैसे दिखतेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, ये आगे की ओर निकला हुआ है और ये कुछ ऐसे पीछे दिखेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन तो इसी के ऊपर लग जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं टॉप व्यू कैसे बनेगा, तो पहले बना लेता हूँ मैं ये वाला बेस, ऊपर से बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो ये वाला बेस बना लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस अगर यहाँ से टोटल कितना है, 24 24 थ्री टाइम्स, तो देखो ये आपको पता ही है कि फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो चलो पहले ऊपर से और आते हैं, यहाँ से मैंने एक यहाँ से ऐसे पहले बेस बना लो, ठीक है, वो डार्क पेन से बनाता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसा बेस बन गया, ठीक है। अब बात करो यहाँ से, यानी कि ये 20 अब इधर की ओर आ रहा है ना, ये टॉप देख रहे हो आप, तो यहाँ से ये कुछ आगे की ओर आ रहा है, कितने डिस्टेंस पे, 20 के डिस्टेंस पे, ठीक है ना, इधर भी कितना होगा, 20 होगा, 20 20 डिस्टेंस से कितना आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ से नीचे आ जाओ 20 डिस्टेंस लेके, ठीक, यहाँ भी आ जाओ कितना डिस्टेंस लेके, 20 का डिस्टेंस लेके, क्लियर, दोनों साइड 20 20 लेकर हम नीचे बढ़ गए, ठीक है, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये तो इसके अंदर घुसा हुआ है। अब यहाँ से अंदर गया है कितने डिस्टेंस पे, ये जो अंदर गया है वो कितना डिस्टेंस है,
ठीक है ना, ये वाला आपको पता है कितना है, 12 है। 12 से कहाँ गया है, अंदर गया है। तो देखो ये 12 डिस्टेंस का है हमारे पास प्रोजेक्टर्स, तो यहाँ से यहाँ तक मैं 12 अंदर कर लेता हूँ। ये कितना था आपका अभी, 20 था, ये कितना था, 12 था। यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये 24 है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये यहाँ से 24 था, ठीक। तो इधर भी कितना, 12 डिस्टेंस से इधर अंदर आओ, 12 डिस्टेंस से हम इधर आ गए, ये आ गया 12, ये है 20। यहाँ तक काम हो गया। यानी कि देखो पहले हमने क्या बनाया, इधर का अंदर का बेस, फिर आगे आए, आगे कितना आना था, 20 आ गए आगे, ठीक है। अब 20 से अंदर की ओर घुस रहा है कितने का, 12 का, तो 12 हो गया अंदर की ओर, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन बनाना है इधर के इधर का, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे कितना है, 24 का है, और कितने पे है, देखो ये 20 प्लस 20 है ना, यानी कि इतना 20 और 20 नीचे, तो मान के चलो यहाँ से हमने और 20 ले लिया यहाँ तक, ठीक है। ये 20 यहाँ पॉइंट आ गया, इधर भी एक 20 का और ले लो यहाँ तक 20, ठीक है। अब इनमें जो लाइन मिल रहा है, कौन सा वाला लाइन, बीच वाला कितना है, 24, तो यहाँ से एक ले लो लाइन कितने का, 24 का। ये देखो ये जो 24 वाला प्रोजेक्टर्स है, ये वाला है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट और ये 24, ये पॉइंट, ठीक है। इनको क्या कर दो, एक लाइन मिला दो, ठीक है ना। देखिए ये वाला पोर्शन बनाया हूँ मैं, यहाँ से ये 24 वाला, क्लियर, ठीक है। 24 यही दिखेगा आपको ऐसे, तो ये 24, अब ये इससे क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, ऐसे मिला दो, यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे, हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको कितना है, यहाँ से ये भी 20 और ये भी कितना है, 20 है, ठीक है। और ये कितना है पता है आपको, 24, क्लियर। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। और क्या देखिएगा, दिख रहा है क्या और कुछ, जैसे देखोगे तो एक ब्लॉक भी दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ब्लॉक दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है ब्लॉक, अगर ये देखोगे ऐसे, अगर आप टॉप पे देखोगे तो एक ब्लॉक दिखेगा। कितने का ब्लॉक दिख रहा है आपको, 30 बाई, ये देखो यहाँ से, ये देखो ये ब्लॉक जो दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 30 बाई, इधर कितना है, 12, 30 बाई 12 का एक ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो 30 कहाँ से, यहाँ से, यानी कि इस बेस से 30 बाई 12 का। तो ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, 12 है, और नीचे कितना आना है, 30 आना है, ठीक। तो देखो ये 12 का लाइन हो गया यहाँ से, ये वाला हो गया आपका, ये 12 हो गया, ठीक, यहाँ तक। अब नीचे की ओर 30, यहाँ तक 20 है, तो 10 और नीचे आएगा, ठीक, और कितने का, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, 20 और आ गया नीचे की ओर, 30 हो गया ये 12 वाले लाइन पे, ठीक। और इसको ऐसे मैच करा दो, ठीक है। तो ये कितने का बना, 12 बाई 30 का ये ब्लॉक दिख रहा है ऊपर से, ध्यान से देखो, यही दिख रहा है आपको, ये तो पूरा बेस बना था, और मैं बात कर रहा था इसका। आप सोच रहे होगे कि ये भी लाइन दिखेगा, लेकिन देखो टॉप से देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, एकदम प्लेन दिखेगा। अगर ऐसे भी है तो आप टॉप से दिखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, क्लियर है ना, इतना इमेजिन कर लिए। अगर ऐसा भी है तो टॉप से दिखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, प्लेन दिखेगा, प्लेन सरफेस, ठीक है। तो टोटल कितना था, 30 बाई 12, तो हमने इधर से ले लिया 30 और ये कितना हो गया, 12। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया इसका टॉप व्यू, क्लियर। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डिस्कशन हुआ आपका, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एग्जाम में, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, बस क्या करना है इसमें आपको इमेजिन करना है। चलो एक बार और दिखा देता हूँ, जैसे कि जैसे टॉप व्यू देखे थे, तो टॉप व्यू में आपको क्या दिख रहा होगा, टॉप व्यू में आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक, ये सब पोर्शन भी टॉप से ही दिख रहा होगा आपको, ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा टॉप से, क्लियर है ना। टॉप से देखोगे तो ये दिखा, फ्रंट से देखोगे तो ये दिखेगा, ठीक, फ्रंट से यहाँ से ब्लॉक दिखेगा, तो ये कॉमन आ सकता है, ठीक। तो ऐसे दिखा और ऐसे दिखा,
क्लियर है? तो टॉप हो गया और फ्रंट हो गया, ठीक है। तो आप लोग एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना सीख लिए हो, ठीक है। इसके बाद हमारा यूनिट स्टार्ट होगा आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। तो एक मैंने समरी कराया था, ठीक है। तो समरी में जब तीसरा था कि जो तीनों एंगल बराबर थे आपके एनिसोट्रॉपिक में, ठीक है ना, एनिसोट्रॉपिक में जो भी था वो तीनों अगर बराबर थे, एंगल बराबर था, तो कितना था, 120 का एंगल बन रहा था, ठीक है ना। तो वही क्या था, आइसोट्रॉपिक था, ठीक है ना। चलो उसको डिस्कस करेंगे आने वाले में, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से।